guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss current affairs and related concepts on Indian polity. So in the last session, I have discussed about VVPAT, Voter Verifiable Paper Audit Trial. तो ये मैंने आपको बताया था, एक मशीन है जो कि इलेक्शंस में यूज़ होती है, सिटीजन्स ने वोट करेक्टली प्लेस की है या नहीं उसके लिए. सो दिस मशीन इज़ यूज विद EVMs, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. यहाँ पे जब एक बार सिटीज़न ने अपनी वोट दे दिया, बटन प्रेस कर दिया है, तो ये VVPAT मशीन एक स्लिप निकाल लेगी जिसमें वोटर का नाम लिखा है, इलेक्शन सिंबल मेंशन होगा वहाँ पे, एंड दैट स्लिप विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप इन दी सील्ड बॉक्स. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसमें डिस्कस किया था, दैट वाज रिगार्डिंग दी कि जो पोस्टल बैलेट है, इसको इसकी फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड किया गया है. तो पहले ये जो पोस्टल बैलेट था, इट वाज ओनली अवेलेबल टू दी पर्सन जिनकी ड्यूटी पोलिंग स्टेशन पे लगी और आर्म्ड फोर्सेज को, बट नाउ दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन. इट मीन्स कि जो इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कोड ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 को अमेंड किया, जिसमें उन्होंने जो हमारे सीनियर सिटीजन है ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज या फिर हुआ पीपल विद डिसेबिलिटी या एसेंशियल सर्विसेज में, जैसे रेलवे में या किसी भी ट्रांसपोर्ट में या इन एनी ऑफ द एसेंशियल सर्विसेज, तो उस केस में क्या है कि दे कैन कास्ट देयर वोट थ्रू पोस्टल बैलेट. कि जो एब्सेंटी वोटर लिस्ट है, दैट रेफर्स टू अ वोट कास्ट बाय समवन हु इज़ अनेबल टू गो टू द पोलिंग स्टेशन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस, दैट इज़ ETPB, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट. तो ये जो था, इलेक्शन कमीशन ने डेवलप की थी किसकी हेल्प के से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग. तो इट इज़ कम्प्यूटिंग, ये फुली सिक्योर्ड सिस्टम है, दो लेयर्स है. यहाँ पे जब वोट कर रहे हो आप, इसे दोबारा वोट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ फुली सिक्योर्ड. OTP और पिन आता है इसमें, उस वजह से यूनिक जो QR कोड है उससे दोबारा पॉसिबल नहीं है वोट डालना. इज इट क्लियर? तो इस सिस्टम से वोटर्स अपनी वोट कहीं से भी डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली टू रिसीव पोस्टल बैलेट फ्रॉम एवरी एनी वेयर आउटसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूंसी. सो दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ लूजिंग द वोटिंग अपॉर्चुनिटी. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन इज सर्विस वोटर. ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? सर्विस वोटर्स. सर्विस वोटर्स क्या है? इन केस ऑफ क्लोज कॉन्टेस्ट, सर्विस वोटर्स एक क्रूशियल और डिसिसिव रोल को प्ले करते हैं. ठीक है, अब ये पहले हम ये बताते हैं सर्विस वोटर्स है कौन है. जो लोग यूनियन के आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं, आर्मी एक्ट 1950 के अंडर फोर्स में सर्व कर रहे हैं. इट अप्लाइज़ टू इंडियन आर्मी के मेम्बर्स हैं, नेवी के मेम्बर्स हैं, एयरफोर्स हैं, पर्सनल ऑफ जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, असम रिफल्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, शास्त्रा सीमा बल आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड एज सर्विस वोटर्स. इज इट क्लियर? तो अब जब क्लोज कॉन्टेस्ट में के केसेस में सर्विस वोटर्स दे प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड डिसिसिव रोल्स. तो जिन सर्विस वोटर, इन शॉर्ट आई कैन से, जिनके पास सर्विस क्वालिफिकेशंस हैं दे आर दी सर्विस वोटर्स. या जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉय हैं इन अ पोस्ट आउटसाइड इंडिया, या तो मेंबर हुआ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट सर्विंग आउटसाइड दैट स्टेट, इवन दे आर सर्विस वोटर्स. तो अब ये जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर हैं ये क्या हैं? जो सर्विस वोटर हैं दे कैन, या तो वो पोस्टल बैलेट से जो हम डिस्कस कर चुके हैं उससे वोट कर सकते हैं, या फिर वो प्रॉक्सी से वोट कर सकते हैं. प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि वो किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं उनके बिहाफ पे वोट कास्ट करने का. ठीक है, कि सपोज़ कोई पर्सन आर्मी में है तो वो ही कैन नॉट कम टू अ पोलिंग स्टेशन. इज इट क्लियर? ही कैन नॉट कम टू अ पोलिंग स्टेशन. तो वो अपने बिहाफ पे एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे कि पोलिंग स्टेशन पे जाके उनके नाम से वोट डाल दें. तो जो सर्विस वोटर प्रॉक्सी के मेथड से वोट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड सर्विस वोटर. इज इट क्लियर? दे आर दी क्लासिफाइड सर्विस वोटर. नाउ अबाउट दी प्रॉक्सी. प्रॉक्स जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसी जिस पर्सन को कि हमारे बिहाफ पे जाके वो पोलिंग स्टेशन पे वोट डाल के आए, तो ही मस्ट बी एन ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूंसी.
जहाँ का सर्विस वोटर जहाँ का रहने वाला है वो ऑर्डनरी रेजिडेंट भी उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाला हो. इज इट क्लियर? सेकेंड थिंग अबाउट द प्रॉक्सीज, प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर. ठीक है, जो प्रॉक्सी है रजिस्टर्ड वोटर नहीं होगा बट मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर. ज़रूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड वोटर हो, पर उसमें ऐसे डिस्क्वालिफिकेशंस भी नहीं हो, सॉरी इस तरह के वो भी नहीं होना चाहिए कि वो डिस्क्वालिफाई हो सकता है एज अ रजिस्टर्ड वोटर. सर्विस वोटर है वो प्रॉक्सी को कैसे अपॉइंट करेगा? पहले वो 13F का फॉर्म फिल करेगा. दैट फॉर्म ही विल सेंड टू द रिटर्निंग ऑफिसर. जब वो साइन हो जाएगा नोटरी या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने साइन करेगा. उसके बाद जब एक बार वो पर्सन अपॉइंट हो गया द प्रॉक्सी विल कंटिन्यू अंटिल हिज और हर अपॉइंटमेंट इज रिवोक. ठीक है, उस पर्सन की अपॉइंटमेंट जब तक रिवोक नहीं की हो जाएगी तब तक वो उसके बिहाफ पे वोट करेगा. इज इट क्लियर? सो दैट इज़ द टॉपिक रिगार्डिंग द सर्विस वोटर. क्लियर है ये सर्विस वोटर का टॉपिक आपको कि सर्विस वोटर्स कौन है और ये क्लासिफाइड वोटर्स कौन है. क्लासिफाइड सर्विस वोटर वो हैं, देखो जो सर्विस वोटर है वो दो तरीके से वोट कर सकते हैं, या तो पोस्टल बैलेट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड थ्रू अ प्रॉक्सी. तो प्रॉक्सी में का मतलब क्या है कि जब हम किसी पर्सन को अपने बिहाफ पे अपॉइंट करते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट करके हमारे बिहाफ पे जिस पर्सन को, तो जो सर्विस वोटर जो ऑप्ट करता है फॉर वोटिंग थ्रू अ प्रॉक्सी उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड सर्विस वोटर. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रॉक्सी. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक रिगार्डिंग इज दिस इज वोटिंग राइट्स ऑफ प्रिजनर्स. वोटिंग राइट्स ऑफ प्रिजनर्स मीन्स कि जो अब प्रिजन में है जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया था दे आर इन अ जेल, वट अबाउट देयर वोटिंग राइट्स? उनकी वोटिंग राइट्स के बारे में क्या है? देखो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो सेक्शन 62 क्लॉज 5 है उस एक्ट का, तो उसमें ऑलरेडी ये लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन प्रिजन में है वो इलेक्शन में वोट नहीं करेगा. दैट नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ इज कन्फाइंड इन अ प्रिजन वेदर अंडर अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज और इज इन द लॉफुल कस्टडी ऑफ द पुलिस. इज इट क्लियर? सो ये इनके राइट्स के लिए एक पिटीशन मूव की गई थी सुप्रीम कोर्ट में. लॉ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था सुप्रीम कोर्ट में कि एन इलेक्ट्रल लॉ है जो वो अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट्स को उनकी राइट टू वोट के लिए डिनाई कर रहा है. इवन चाहे वो अंडर ट्रायल्स हैं कन्विक्ट्स हैं बट दे आर डिनाइड विद द राइट टू वोट. ये पिटीशन मूव हुई थी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज इट क्लियर? सेक्शन 62 क्लॉज 5 भी मैंने आपको बता दिया क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को, कि दे से कि पर्सन प्रिजन में है चाहे उसको जेल हुई है या ट्रांसपोर्टेशन वॉट एवर, कि वो पुलिस की लॉफुल कस्टडी में है, ही हैज़ नो राइट टू वोट एट इलेक्शन. लेकिन ये जो प्रोविजंस हैं ये पर्सन को एग्जेम्प्ट करती हैं कहाँ पे? प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंडर. Now what Article 326 of Indian Constitution says? 326 क्या बात करता है कि जो elections हैं to the House of People and to the Legislative Assembly of every state shall be on the basis of adult suffrage. House of People की और Legislative Assembly की जो elections हैं वो किस basis पे होंगी? Adult suffrage के basis पे होंगी. इज इट क्लियर? तो डिस्क्वालीफाई कब है? कब वो वोट नहीं कर सकता? ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंस, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, क्राइम, करप्ट, इलीगल प्रैक्टिस. इज इट क्लियर? ये ग्राउंड्स हैं जहाँ पे उसको मना कर देंगे कि ही कैन नॉट वोट. इज इट क्लियर? सो व्हाट डू यू मीन बाय एडल्ट सफरेज? अब ये एडल्ट सफरेज क्या है? एडल्ट सफरेज मीन्स कि एवरी सिटीज़न हैज़ अ राइट टू वोट. ठीक है, हर एक सिटीज़न के पास राइट है कि वो वोट करेगा. इज इट क्लियर? विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन.
सिर्फ किस ग्राउंड्स पे वो डिस्क्वालीफाई वोट नहीं कर सकता? ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन रेजिडेंट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्राइम और करप्ट और इलीगल प्रैक्टिस शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर एट एनी सच इलेक्शन. Is it clear? So in this session we have discussed two topics, that is service voters, ki service voters kaun hai, kis tarah se wo vote dalte hain apne, we have discussed about the proxy. And next topic we have discussed is the ki prisoners ki voting rights kya hai. तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रिजनर्स की वोटिंग राइट है वो अगर आर्टिकल सेक्शन 62 क्लॉज 5 देखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, वहाँ पे मना किया गया है. बट आर्टिकल 326 सेज कि जो इलेक्शंस हो रही है हाउस ऑफ पीपल और लेजिस्लेटिव असेंबली की, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज. ग्राउंड्स बताए हैं कब उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक लॉ स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया था इलेक्टोरल रोल पे कि विच डिनाइज द अंडर ट्रायल्स एंड कन्विक्ट्स देयर राइट टू वोट. इज इट क्लियर? सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी टेकिंग अप नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोटा. थैंक यू.